हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। योगा के बेनिफिट्स आपको पता ही होंगे। योगा हमारे बॉडी के लिए और माइंड के लिए दोनों के लिए बेस्ट है। योगा करने से आपका बॉडी का बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, देन आपके मेंटल हेल्थ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। लेकिन योगा में हमें ऐसे कौन से पोजेस है जो हमें करने चाहिए और जो रियली आपके माइंड और बॉडी के लिए बेस्ट है, तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला पोज है माउंटेन पोज, ताड़ासन। माउंटेन पोज करने से आपकी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ती है और मेंटल फोकस भी बना रहता है। नेक्स्ट सेकेंड पोज है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज, अधोमुख श्वानासन। ये पोज करने की वजह से आपका पूरा एंटायर बॉडी स्ट्रेच होता है। नेक्स्ट थर्ड पोज है वॉरियर टू, वीरभद्रासन टू। वीरभद्रासन टू एक पावरफुल स्टैंडिंग पोज है दैट इनहांस बोथ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। फोर्थ पोज है ट्री पोज, वृक्षासन। वृक्षासन करने से आपका बैलेंस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। इट ऑल्सो प्रमोटिंग द सेंस ऑफ इनर पीस। फिफ्थ पोज है क्रॉप पोज, शवासन। क्रॉप्स पोज एक रिलैक्सिंग पोज है जिसमें आपकी बॉडी और माइंड दोनों भी रिलैक्स होते हैं। दिस पोज प्रमोट्स डीप रिलैक्सेशन एंड रिड्यूस द स्ट्रेसेस। तो ये थे पांच पोजेस जो हमारे बॉडी और माइंड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप और डीपली अच्छे से जानना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके एक बार जरूर चेक करो और कमेंट जरूर करें कि आपको ये पांच पोजेस में से कौन सी पोज अच्छी लगी है या आप इनमें से कौन सी वाली पोज रेगुलर बेसिस पे करते हो। और ऐसे ही फिटनेस रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट।